अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों हम आपके लिए नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं डोनस का रेफ्रिजरेटर 900D फोटो में है, डोनस कंपनी के है और 1200 वोल्ट के साथ है। सबसे पहले हम दोस्तों आपको बताएंगे इसके फ्रंट लुक के बारे में, फिर हम इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर में कौन कौन से फीचर्स हैं, क्या प्राइस है और लो वोल्टेज कंट्रोलर है या नहीं है। लेटेस्ट मॉडल कंपनी ने भेजा है, डिफरेंट कलर में भेजा है, तो हमने कहा कि आपके लिए आसानी के लिए वीडियो बना दें ताकि आप घर पे बैठे पसंद कर सकें कौन सा रेफ्रिजरेटर आपने लेना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये देखें डोनस का रेफ्रिजरेटर है और ये ग्लास रूम में है। ये तीन कलर में अवेलेबल होता है, ये ब्लैक में आता है, ब्लैक इस तरह ब्लैक में भी आता है कि मिड में बिल्कुल ब्लैक है, साइड पर जो है डॉट बने हुए हैं, और इस तरह का भी आता है कि मुकम्मल ब्लैक है और मुकम्मल डॉट्स के साथ। और तीसरा कलर इसमें आता है वो जो है गोल्डन में आता है, गोल्डन में तीन कलर कंपनी ने भेजे हैं। और अंदर से फीचर्स के हवाले से बात की जाए तो ये देखें डबल डोर में है, ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में है और लेटेस्ट गैस है R600 और हेल्थ लाइट के साथ है। और इसमें जो है डबल बैटरी UPS से आप आसानी से चला सकते हैं। और अंदर से बात की जाए तो ऊपर की तरफ इन्होंने एक शेल्फ दी है और इसमें जो है एडजस्टमेंट तीन बनाई हुई है, आप कहीं पे भी एडजस्ट। दोस्तों ये जो अंदर से आप देखते हैं जो साइड पे, ये देखें साइड पॉकेट से एक इसके साथ दी गई है और ये ओपन पड़ी हुई है ना, ये इसके साइड पॉकेट्स दो दिए गए हैं और ये स्टेनलेस स्टील के इसके साथ पाइपिंग दी गई है जिसमें जो है ये साथ में ये एडजस्टमेंट दी हुई है, ये सबके साथ में दी गई है। ऊपर की तरफ एक शेल्फ दी गई है, स्पेशल आइस क्यूब्स दिया गया है इसका, ट्विस्ट आइस बॉक्स जिसमें ये जल्दी कूलिंग करके कुछ ही टाइम में तकरीबन 1 से 2 घंटा में बर्फ़ फ्रीज कर देता है। और इसको आप यहीं से मूवमेंट देख के यहाँ पे अगर आप ऐसे सर्कल करते तो बर्फ़ ऑटोमेटिक इसमें शिफ्ट हो जाती है, तीनों में से यहाँ पे बर्फ़ शिफ्ट हो जाती है। ये आप बॉक्स को बाहर निकाल के आसानी से आप सर्विसेज दे सकते हैं अपने जो मेहमान आते हैं उनको। और अंदर से ये बिल्कुल प्लेन फ्रीजर है, राउंड फ्रीजर है। और अंदर से ये देखें, ये अंदर की तरफ से ये देखें बहुत बड़ी लाइट LED दी गई है इसमें, बहुत खूबसूरत लाइट दी गई है इसमें, LED लाइट दी गई है। और ये डिफ्रॉस्ट में आता है, ये साइडों पे हल्की हल्की बर्फ़ गलती है क्योंकि हमारे यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है 7 कबाब में, तो इस वजह से इसमें जो है ना डिफ्रॉस्ट ही काम है। नो फ्रॉस्ट जो है वो देर से कूलिंग करते हैं, जब हाई टेम्परेचर आते हैं तो चीज़ फ्रीज नहीं होती, तो काफ़ी कस्टमर कंप्लेन करते हैं, तो इस वजह से हम ये मॉडल बाय करते हैं और सेल करते हैं। और नीचे से हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर के बारे में, ये फ्रिज है, इसमें देखें तो लेफ्ट राइट LED बल्ब दो दिए गए हैं और ये फैन सिस्टम दिया गया है जिससे जो है एक चीज़ की स्मेल दूसरी चीज़ में ना जाए। और ये तीन शेल्फ में आता है, 1, 2, 3, और ये एडजस्टमेंट इनकी बनी हुई है, तीन इनके एडजस्टमेंट बनी हुई है। नीचे ये स्पेशल रैक दिया गया है बोतलें वगैरह रखने के लिए और ये टेम्पर्ड ग्लास दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों पहले होता था प्लास्टिक का, ये शीशा ना प्लास्टिक में होता था, यहाँ पर कोई चीज़ रखते थे एमरजेंसी में ज़्यादा सामान होता था तो ये टूट जाता था, तो कंपनी ने अब चेंज आउट किया है, इसमें जो है ये टेम्पर्ड ग्लास दिया है, ये जो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, ये 100 किलोग्राम तक वज़न उठा सकता है। और वेजिटेबल और फ्रूट बॉक्स अलग अलग कंपनी ने किया है ताकि एक चीज़ की फ्रेगनेंस दूसरी चीज़ में न जाए। और साइडों पर LED लाइट दी गई है और ये इस साइड से आपको दिखाते हैं कि इसके साइड पॉकेट्स तीन हैं और इसमें डिफरेंट एडजस्टमेंट बनी हुई है, कहीं पर भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये स्पेल प्रूफ है, इस पर कोई लिक्विड गिरता है तो चिपकेगा नहीं, कोई भी चीज़ गिरती है चिपकेगी नहीं, स्पेल प्रूफ बनाए गए। और आपके पास ये कंपनी में इनमें पहले वॉल आती थी जिससे दीवार की वजह से सामान थोड़ा आता था, बड़ी से ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। अभी कंपनी ने ये डिज़ाइन किया कि इसमें बिल्कुल दीवार खत्म कर दी गई है, बहुत बड़ा आप 1 मीटर तक की चीज़ें इसमें आसानी से रख सकते हैं, बड़े बर्तन हो गए, बड़ा केक अगर आप बनाते हैं तो वो रख सकते हैं। तो इसके साइड पॉकेट्स भी है लेकिन इस साइड पर भी इन्होंने 4 दिए हैं एडजस्टमेंट के साथ, और ये एक्ट्रेस के साथ स्पेशल दी गई है और टेम्पर्ड ग्लास में है। दोस्तों ये देखिए इसकी भी, ये जो पहले यहाँ पे पेज लगे होते थे जंग लग जाता था, कंपनी ने चेंज किया, ये आप दोस्तों ये जो है हमने अंदर से भी आपको दिखाया किस तरह का डिज़ाइन किया गया फ्रिज, इसकी साइज़ क्या है, बहुत वाइडर दिया गया आपको। और साथ में ये है 6 दिन कूलिंग सिस्टम, 6 दिन कूलिंग सिस्टम जो होता है तो लाइट ऑफ भी हो जाए ना, तो अगर आप इसकी डोर ओपन ना करें तो 6 दिन तक इसकी चीज़ें फ्रीज पड़ी रहेंगी, वो जो है वो पिघलेगी नहीं कर। और इसके पीछे ब्रेन सिस्टम दिया होता है, टोकरी लगी होती है कंप्रेसर के ऊपर, वहाँ पे जब गर्म पानी ठंडा पानी गिरता है तो उसकी कूलिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाती है। और दोस्तों एक और बात मैं आपको साथ में बताता चलूँ, ये LG, सैमसंग और पैनासोनिक जो अदर कंपनी है आप सिंगर यूज़ करते हैं उनकी वारंटी नहीं होती,
वो आपको इम्पोर्टेड में मिलते हैं लेकिन उनकी वारंटी नहीं होती। इसकी कूलिंग क्वालिटी उससे कहीं ज़्यादा है और इसमें आपको इन्वर्टर में ही 12 साल वारंटी मिल रही है, तो ये बहुत बड़ा आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और साथ में इसकी ये देखें साइडें जो है, थोड़ा सा साइडें जो है इसकी देखें फाइबर की है। इसको कंपनी जो है 10 ईयर तक जंग ना लगने की भी गारंटी देती है कि इसको 10 साल तक जंग नहीं लगेगा। अभी देखें आपके सामने सिलेंडर जो है गैस वाले वो भी फाइबर में आ गए हैं, गाड़ियाँ डैशबोर्ड है वो भी फाइबर में, बसें जो है वो भी फाइबर में बनाई जा रही है, इस वजह से कि वो बार बार वॉश करनी होती है तो उसको जंग ना लगे। तो दोस्तों मेरा मशवरा यही है आपसे कि आप यही वाला फ्रिज लें, ये सबसे ज़्यादा अच्छा है, एलजी से आपसे कंसोनिक से भी ज़्यादा ग्रेसफुल है। और इसकी जो से मटेरियल है ये हैवी थिकनेस यूज़ किया गया है बहुत ज़्यादा, और गैसकेट भी जो डिटैचेबल बैक्टीरिया एंटीफंगल है, इसको आप उतार के गर्म पानी में वॉश करके दोबारा लगा सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें। अगर आपके जहन में कोई सा भी सवाल है, अगर हमारी वीडियो में भी कोई दी अगर आपको मिस्टेक मिलती तो आप हमें बताया करें ताकि हम अंदर इससे बेहतर से बेहतर वीडियो बनाएं और घर पर बैठे आप शॉपिंग कर सकें। और प्राइस की बात की जाए तो पहले के दिनों में इनकी प्राइस कम थी लेकिन इस टाइम पे 150 चल रही है, लेकिन उम्मीद है 8-10 दिनों में इसकी प्राइस 160 तक 1,60,000 तक चली जाएगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।